एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, भाजपा की आमदनी एक साल में 82% बढ़कर 1034 करोड़ रुपए पहुंची, कांग्रेस से 4 गुना ज्यादा। चेन्नई में आईपीएल मैच से पहले कावेरी जल विवाद पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, स्टेडियम के बाहर 4000 पुलिसकर्मी तैनात। बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के विरोध में मोदी शाह समेत सभी बीजेपी सांसद गुरुवार को करेंगे उपवास। कॉमनवेल्थ गेम्स में 6ठे दिन बॉक्सिंग में भारत के 6 मेडल पक्के, हॉकी में मेंस और वुमेन्स टीमों ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। फॉरेंसिक रिपोर्ट का दावा, शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जेल में दी गई ऐसी दवा जो उनके डॉक्टर ने लिखी ही नहीं थी। अमेरिका चीन ट्रेड वार पर अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का बयान, जुकाम के लिए कीमोथेरेपी क्यों। कतर से संपर्क खत्म करने के लिए सीमा पर 200 फीट चौड़ी नहर बनाएगा सऊदी अरब, उसमें परमाणु कचरा भी फेंकेगा। आरक्षण के विरोध में सवर्णों के भारत बंद में बिहार के कई जिलों में हिंसक घटनाएं, मध्य प्रदेश में भी धारा 144 लागू। डेटा लीक मामले में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फिर से मांगी माफी, आज अमेरिकी कांग्रेस में होगी पेशी। अभिनेत्री सोनम कपूर की शादी पर नया खुलासा, स्विट्जरलैंड के बजाय मुंबई में लेंगी 7 फेरे।